नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक राज की बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं पीना बुरी बात है, मगर मैं आपसे कहता हूँ पीने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो आज से ही दिन में 2 बार पीना शुरू कर दें। सुबह उठते ही नहा धोकर पहला काम पीने का ही करें, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करें, और शाम को भी सोने से पहले यह जरूर पिएं। मैंने शरीर की चर्बी से परेशान ऐसे कई लोगों को देखा है जो पहले पीते नहीं थे, मगर बाद में उन्होंने दिन में 2 से 3 बार पीना शुरू किया तो 1-2 महीने के अंदर ही उनके शरीर से अनावश्यक चर्बी तुरंत ही कम हो गई। और जहां तक पीने की बात है तो अगर पुरुष रोज पी सकते हैं तो महिलाएं क्यों ना पिएं? हम आज पुरातन काल में नहीं, उस आधुनिक समाज में जी रहे हैं जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और जहां तक तौंद और मोटापे की बात है तो महिलाओं को आजकल मोटापा कुछ अधिक ही परेशान कर रहा है। उनकी अस्त व्यस्त दिनचर्या, गलत खान पान और तनाव के चलते महिलाओं के शरीर पर बड़ी जल्दी चर्बी जमा हो जाती है, जो किसी भी महिला की सुंदरता को तार तार कर देती है। वैसे घबराएं नहीं और कुछ गलत मत समझें। पीने से मेरा आशय शराब से नहीं है। शराब पीना तो बहुत ही बुरी बात है। मैं तो आयुर्वेद में बताए गए एक घरेलू पेय की बात कर रहा हूँ। इसे अगर रोजाना बनाकर दिन में 2 से 3 बार चाय या कॉफी की जगह पिया जाए तो 1-2 महीने के अंदर ही तौंद और शरीर पर जमा चर्बी से बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात, इस पेय को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो आपको अपने घर की रसोई में ही मिल जाएगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार के अनावश्यक खर्च की चिंता भी नहीं है। इस चमत्कारी आयुर्वेदिक पेय को बनाने के लिए 1.5 गिलास पानी लेकर उसमें 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया मिलाएं और 2 मिनट तक उसे उबालें, फिर उसे चूल्हे से उतार लें और उसमें 1 टी बैग डालकर 1 मिनट तक इंतजार करें। उसके बाद इसमें 1 चम्मच सूखा अदरक पाउडर और 1 चम्मच गुड़ डालें और इसे अच्छी तरह से घोल लें। जब गुड़ घुल जाए तो इस पेय को छान लें और इस पेय को पी लें। सुबह और शाम दोनों वक्त इसे पिएं। कुछ ही दिनों में आपको इसके असरकारक गुण देखने को मिलेंगे। जब तक इस नुस्खे का प्रयोग करें तब तक आयुर्वेद में बताए गए कुछ नियमों का पालन भी जरूर करें तो यह नुस्खा बड़ी जल्दी अपना असर दिखाता है। इन नियमों में पहला नियम है, भूख से थोड़ा कम ही खाना खाएं। इससे शरीर में स्फूर्ति और आपका पाचन भी ठीक रहेगा और पेट से संबंधित बीमारियों का डर भी नहीं रहेगा। दूसरा नियम है, खाना खाने के बाद सिर्फ 2 घूंट पानी पिएं और उसके बाद 1 घंटे तक पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। इससे आपको कमर और पेट कम करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यह था आज का लाइफ चेंज देसी नुस्खा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।
और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर वीडियो हम आपकी सेवा में पहुंचा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी लाइफ चेंज देसी नुस्खे के साथ में। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद दोस्तों।